हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा ब्रिक वर्क के बारे में कि कौन सा ब्रिक वर्क अच्छा रहेगा वॉल के लिए और इसे किस तरह से कंस्ट्रक्ट करना चाहिए। मैं आपको कम्प्लीटली बताऊंगा। बने रहिएगा इस वीडियो को अंत तक। और इस चैनल पे आप नए रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि मैं आपको और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। सो जैसा कि आप लोग यहाँ सामने जो नज़र आ रहा है ब्रिक वर्क, सो ये ब्रिक वर्क जो हो रहा है ये फ्लेमिश बॉन्ड में हो रहा है। सो यहाँ पे देखिए, एक हेडर में रखते हैं, एक स्ट्रक्चर में रहते हैं। हेडर जिसे कहते हैं, 4 इंच का जो थिकनेस नज़र आया आपको उसके हेडर कहते हैं, और जो 9 इंच का जो थिकनेस है उसे स्ट्रक्चर कहते हैं। सो यहाँ पे फ्लेमिश बॉन्ड कहते हैं इसे। और ये जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, इसे हेडर बॉन्ड कहते हैं। यहाँ पे जो ब्रिक यहाँ पे जो रखे हुए हैं, ये सब हेडर में रखे हुए हैं, तो इसे हेडर बाउंड करते हैं। ओके फ्रेंड्स, जो थिकनेस 4 इंच का जो थिकनेस नज़र आया आपको ब्रिक का, उसे हेडर बाउंड कहते हैं। और इस वॉल पे एक हेडर और एक स्ट्रेचर, तो ये फर्स्ट वाला हेडर रहेगा और सेकंड वाला स्ट्रेचर, इसे स्ट्रेचर कहते हैं। देखिएगा यहाँ पे एक हेडर एक स्ट्रेचर, जो 9 इंच जो थिकनेस रहेगा उसे स्ट्रेचर, और ये जो 4 इंच जो थिकनेस रहेगा उसे हेडर बॉन्ड कहते हैं। सो दोनों को जो मिक्स करते हैं उसे फ्लेमिश बॉन्ड का वॉल कहते हैं। इसमें भी 2-3 टाइप के वॉल्स रहते हैं, इंग्लिश बॉन्ड रहते हैं, फ्लेमिश बॉन्ड रहते हैं, और सेपरेटली हेडर बॉन्ड एक रहते हैं और एक जो होता है स्ट्रेचर बॉन्ड। सो बेस्ट रहेगा यही फ्लेमिश बॉन्ड फॉर वॉल कंस्ट्रक्ट। देखिएगा यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे ब्रिक्स रख रहे हैं। ये देखिएगा, और ये जो बीच में जो थिकनेस रहेगा मोर्टार के लिए, वो मोर्टार 1/2 इंच ही रहना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं रखना चाहिए। 1/2 इंच सफिशेंट रहेगा मटेरियल के लिए। ओके फ्रेंड्स, सो इसकी क्वालिटी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह फाइनल फिनिश आएगी। तो ये देखिए आप लोग, इसकी फाइनल फिनिश ये रहेगी। ये देखिएगा, टॉप में जो लेयर नज़र आ रहा है आपको, वो हेडर का रहा है यहाँ पे। इसे हेडर, इसे स्ट्रक्चर, ये हेडर, ये स्ट्रक्चर। ओके, अल्टरनेट रहना चाहिए तो ही उसको बॉन्ड मिलेगा। ये हेडर, ये स्ट्रेचर, हेडर स्ट्रेचर, हेडर स्ट्रेचर, इस तरह से दीवार बनना चाहिए, तो इसमें बॉन्ड ग्रिप बहुत ही स्ट्रांग ग्रिप मिलेगा। और ये फिनिशिंग भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओके फ्रेंड्स, और भी बढ़िया बढ़िया मैं आपके सामने वीडियो लाता रहूँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।